ये है बलेनो 2022। हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो हम लोग इसके बारे में फिर से बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग आ गए हैं नेक्सा के शोरूम में, और नेक्सा के शोरूम में जितनी भी आपकी गाड़ियाँ बिकती हैं उन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो नेक्सा में बेसिकली आपकी 5 गाड़ियाँ बिकती हैं। एक आपकी हो गई बलेनो, दूसरी आपकी हो गई एसक्रॉस, तीसरी आपकी हो गई सियास, चौथी आपकी हो गई इग्निस, और पाँचवीं आपकी हो गई XL6। तो ये सारी गाड़ियों में जितने वेरियंट्स आते हैं उनमें से कौन सा वेरियंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, उसकी प्राइसिंग क्या हो जाती है, अगर उसे आप लोग लेना चाहते हैं तो उसको लेने के लिए आपको कितने डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चल जाएंगी। उसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि अभी जो नई बलेनो 2022 आई है उसका रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है, और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या अगर आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो कि अगर आप अपनी कोई नई गाड़ी लेना चाहते हो तो उसमें आपको कौन सा सिलेक्शन करना चाहिए, और अगर उसमें नेक्सा भी एक ऑप्शन हो जाता है तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी फायदेमंद साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्राइसलेस वीडियो नेक्सा पे, अलॉन्ग विद मी दैट इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। तो सबसे पहले तो चल के मिलते हैं आज के हमारे को होस्ट मिस्टर रघुवेंद्र जी से। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक। तो रघुवेंद्र भाई, आज हम लोग यहाँ पर आ गए शोरूम में, आपकी 5 गाड़ियाँ बिकती हैं यहाँ पे नेक्सा में, ठीक है? तो उसके हम लोग सारे वेरिएंट्स के बारे में जानेंगे, उनकी ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में जानेंगे, और ताकि इन लोगों को अगर कोई भी ये लोग कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं जो कि मारुति या फिर नेक्सा का प्रोडक्ट हो तो उसके लिए जो है लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले अभी हमारा जो रीसेंट प्रोडक्ट आ गया है वो है हमारा बलेनो 2022, है ना? तो इसमें जो है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपके 4 वेरिएंट आते हैं, ठीक है? जिसमें से आपका पहला हो जाता है सिग्मा, उसके बाद में आपका आ जाता है डेल्टा, उसके बाद में आपका आ जाता है जेटा, उसके बाद में आपका आ जाता है अल्फा। ये जो हमारे सामने खड़ी है अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है? ये अल्फा अल्फा जो है सबसे टॉप वेरिएंट होता है। उसके बाद में अगर आप वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो सिग्मा में आपको जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही आप सिग्मा से ऊपर जाते हो बाकी तीनों में जो है आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, यानी कि 8AMT टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, ठीक है? अब मेरे को आप ये बताओ सर, गाड़ी तो लॉन्च हो चुकी है और बुकिंग भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, आप ये बताओ सबसे ज़्यादा बुकिंग इसकी कौन सी गाड़ी की हुई है? एक्चुअली सर, आप जो कस्टमर प्रेफर कर रहे हैं वो बेस वेरिएंट को भी देख रहे हैं, क्योंकि बेस ऑफ वेरिएंट से हमने ऐसे ऐसे फीचर्स देना स्टार्ट किए हैं जो कि किसी गाड़ी में नहीं मिल रहे सेगमेंट में, लाइक ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। बेस ऑफ वेरिएंट से ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है आपको, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद हैलोजन, हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स बेस ऑफ वेरिएंट से मिलते हैं आपको, ठीक है? रियर डिफॉगर भी कंपनी ने इसमें बेस ऑफ वेरिएंट से देना स्टार्ट कर दिया है। HUD हेड्स अप डिस्प्ले, नहीं वो सर टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा, वो हमें अल्फा में मिलेगा, 360 डिग्री एंड हेड अप डिस्प्ले वो आपको टॉप एंड वेरिएंट में अवेलेबल होता है, टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है। तो इसके लिए अभी आप बता रहे हैं कि जो बेस वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा बिक रहा है, इसका बेस वेरिएंट जो है उसका ऑन रोड प्राइसिंग कितना है सर? प्राइसिंग सर वो आपको 741,000 रुपीज का उसका आपको पड़ जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग इसके बेस वेरिएंट से ऊपर जाएंगे तो अपर में सर एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं पड़ती आउट ऑफ द मार्केट, बिकॉज ऑफ उसमें स्टेयरिंग कंट्रोल्स, ऑटो फोल्डेबल मिरर्स, ऑटो एडजस्टेबल मिरर्स, इवन इन द 7-inch टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड एप्पल एप्पल कारप्ले के साथ भी आने लग गया है। कौन सा सर वेरिएंट है वो? वेरिएंट डेल्टा है सर। लेकिन डेल्टा में तब भी हमें SUV की मजा जो है वो नहीं मिलता है और 360 का मजा नहीं मिलता है, बिकॉज ये दोनों का काफी ज्यादा मजा। 360 का क्या है कि कभी भी आप लोग कहीं पर भी गाड़ी पार्क कर रहे हो या कहीं भी कोई आसपास से भी निकल रहा है तो उसको आप जो है इजीली मॉनिटर कर सकते हो, आराम से अपनी गाड़ी निकाल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है, 360 भी फर्स्ट इन सेगमेंट और SUV भी फर्स्ट इन सेगमेंट है, तो इंसान जो है मेरे हिसाब से अल्फा तो लेगा, आज की डेट में टॉप एंड ही लेना पसंद करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था तो जेटा वैल्यू फॉर मनी था और जेटा ही सबसे मोस्ट सेलिंग वेरिएंट था, बट आज जो अगर किसी को प्रीमियम फीचर चाहिए और फुली लोडेड गाड़ी चाहिए तो फिर अल्फा पे, अल्फा पे ना। अल्फा का जो हमारा ऑन रोड प्राइसिंग है 1036 1036,000 रुपए की ऑन रोड प्राइसिंग हो जाती है। कितने कार्स कलर्स में आती है? 4 कलर, 5 कलर, 6 कलर्स में आती है टोटली, है ना जी? 6 कलर में गाड़ी भी आ जाती है। उसके बाद में क्या इस गाड़ी की कोई पहली सर्विसिंग वगैरह अभी हुई कि नहीं हुई, किसी ने करवाई? अभी तो नहीं करवाई है, बट वही इंजन में देखिए कोई एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। 90 BS की पावर प्रोड्यूस कर रहा है, 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो गाड़ी आप हमारे सामने देख रहे हो ये अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। कितनी प्रोवाइड करती है? समवेयर अराउंड 22 ही मान के चलेंगे, 22 इसका एक्चुअल एक्सपीरियंस आया, मतलब एक्चुअल रिव्यू आया, कंपनी क्लेम भी 22 ही कर रही है।
कंपनी क्लेम तो थोड़ा सा ज़्यादा करती है, करीब 26-26 के आसपास कर रही है कंपनी इसकी, क्योंकि गाड़ी का जो है आपका इंजन भी जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है नहीं, 1.5 लीटर का है नहीं, तो इसीलिए वेल बैलेंस हो जाता है। एक्स्ट्रा ये चीज़ कर दी गई है इसकी बॉडी, आप अगर आप फील करोगे आप बॉडी को पहले से और स्ट्रेंथन कर दिया गया, 50 kg का वेट एनहांस हो गया, 50 kg का वेट एनहांस हो गया। अगर उसकी डायमेंशन की बात करें, लेंथ जो है इस गाड़ी की वो आपकी 5 mm कम हो जाती है, और जो इसकी हाइट है वो आपकी 10 mm जो है वो कम हो जाती है, और उसके बाद में जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है उसको भी थोड़ा सा बेटर करा गया है। तो इसके हम लोग के 4 वेरिएंट आते हैं, एक बार सारे चारों के वेरिएंट के हम लोग प्राइस से जान लेते हैं ऑन रोड कितना है बताइए सर। सर सिग्मा स्टार्ट हो जाता है 741 से, देन डेल्टा मिलेगा 835, जेटा मिलेगा 935, टॉप एंड वेरिएंट विल कॉस्ट यू 1036। तो ये हो गई हमारी पहली गाड़ी, 6 कलर में अवेलेबल है। गाड़ी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी फर्स्ट इन सेगमेंट है, जो कि आप लोग आकर के देख सकते हो। जो भी इनकी डिटेल्स वगैरह है या फिर जो भी फाइनेंस ऑप्शन है वो आपको यहीं पर मिल जाएगा। हमारी अगली गाड़ी हो जाती है हमारी नेक्सा की, आपकी XL6। XL6 एक ऐसी गाड़ी है सर, आप बताओ मेरे को XL6 कैसी गाड़ी? देखिए सर, इस सेगमेंट में और इस प्राइसिंग में कोई अनबीटेबल गाड़ी है ये बिल्कुल। अगर आप देखते हैं फैमिली पर्पज़ के लिए, आपको स्पेस भी चाहिए, आपको एफिशिएंसी भी चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आपको पावरफुल इंजन चाहिए, हाइब्रिड इंजन चाहिए, तो सारे फीचर्स और जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो फुल्ली लोडेड है इस गाड़ी के अंदर। और इसमें क्या है, आपने देखा होगा हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको सिग्मा, डेल्टा, जीटा, अल्फ़ा ऐसे वेरियंट्स मिलते हैं, बट अगर यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ से जीटा और अल्फा दो ही वेरिएंट है, सिर्फ दो ही वेरिएंट है, और जीटा अल्फा और जीटा लोडेड है, जीटा भी लोडेड है, फुल्ली लोडेड है, अल्फा टॉप है, अल्फा टॉप एंड वेरिएंट है, उसमें माइनर से चेंजेस हैं। अगर प्राइसिंग का भी डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं है, 70-80,000 का है। इसमें दो ही वेरिएंट आते हैं, इसका मतलब हमारा अल्फा और जीटा। एक बार मेरे को बताइए कि ये कौन सा खड़ा है? ये जीटा है, जीटा खड़ा है। अब मेरे को बताइए कि जीटा में हमें क्या क्या चीजें मिल जा रही है जो कि इस गाड़ी को थोड़ा सा यूनिक बना रही है, हल्का सा। किसी नॉर्मल कस्टमर से बात करें तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे जीटा या अल्फा है, क्योंकि अगर इसको आपको देखना है तो लेदर अपोल्स्ट्री पूरी गाड़ी में आती है अल्फा में, इसमें फैब्रिक है, और रियर पार्किंग कैमरा आ जाता है टॉप एंड अल्फा में, रियर पार्किंग कैमरा आपके अल्फा में आ जाता है ना, ठीक है। इंटीरियर भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, इंटीरियर बोर्ड प्लस है, तो इसमें जो है हमें लेदर नहीं मिलता, लेदर नहीं मिलेगा, पूरा अपोस्ट नहीं मिलेगी, साइड में लेदर है, बीच में फैब्रिक है, बीच में फैब्रिक और प्योर फुल्ली लेदर नहीं है, वो टॉप एंड वेरिएंट। अल्फा में जो है हमें फुल लेदर मिल जाता है प्लस रियर कैमरा मिल जाएगा, ठीक है। और ये फोल्डेबल भी मिरर्स हो जाते हैं, बट वो छोटे माइनर से डिफरेंसेस हैं, बट अगर किसी को लेनी है तो वो जेटा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, वैल्यू फॉर मनी। अब मेरे को आप ये बताओ, जो जेटा है ये आपके कितनी ज्यादा ऑन रोड प्राइसिंग करती है, क्या इसकी ऑन रोड प्राइसिंग है? 12,03,000 में, 12,03,000 रुपए में जेटा की आपकी प्राइसिंग हो जाती है। और अल्फा ऑन रोड कितनी कॉस्ट करती है? 12,80,000 कॉस्ट करती है। तो 80,000 रुपए में हमें क्या क्या चीजें मिल जाती है, उसमें लेदर की सीटें मिल जाती है, ऑटो फोल्डेबल मिल जाता है, बस यही चीज है मेजरली है, और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, अच्छा लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन 80,000 रुपए खर्चा करने का फायदा है नहीं कुछ, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है ना, कस्टमर प्रेफर टू बाय जेटा वेरिएंट, जेटा मिलता है। तो जो कि आपका 12,03,000 रुपए में आपको मिल जाता है, कितने कलर में गाड़ी आती है इसमें? सर मैग्मा ग्रे मिल जाता है, रेड मिल जाएगा आपको, सबसे मोस्ट सेलिंग सिल्वर है इसका, वैसे नेक्सा ब्लू भी है, 4-5 कलर आपको अवेलेबल, ठीक है, 4-5 कलर आपको इसमें अवेलेबल रहते हैं। अब आप देखो XL6 एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद गाड़ी। अच्छा ये बताइए सर, अर्टिगा से ये गाड़ी बेटर हो जाती है या फिर अर्टिगा से कम होती है? एक्चुअली क्या है सर, अर्टिगा है जो नॉर्मल चैनल में आती है, बट वो देखिए हमारी कमर्शियल में भी यूज़ होती है, हाँ जी, और थोड़ी सी रफ एंड टफ लुक में नहीं है, हाँ। और ये साइड बिडिंग्स वगैरह, रूफ रेस, ये पर्सनल कस्टमर के लिए पर्सनली बनाई गई है। अच्छा। और आप इसका जो बेस्ट पार्ट है, ऐसा नहीं है कि वो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, वो दैट इज़ द 7-सीटर और दिस वन इज़ द 6-सीटर। इसकी जो कैप्टन सीट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होती हैं, जिसे आप रिक्लाइन कर सकते हैं, और थर्ड रो में एक अडल्ट पर्सन इजीली बैठ सकता है, थर्ड रो में है ना, थर्ड रो में हाँ आराम से बैठ सकता है, एक बार जरा बैठूंगा मैं इसके सेकंड रो में, इसे भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं, आप देखिए है ना, हाँ ये रिक्लाइनेबल है, हाँ तो ये भी जो है आपके कंफर्टेबल है, ये बेनिफिट है इस गाड़ी का। अच्छा इस XL6 में आपको सिर्फ कैप्टन सीट्स, मतलब 6 सीटें आती है, 7 सीट का ऑप्शन नहीं है ना, सारे कैप्टन सीट्स ही मिलते हैं, तो एग्जैक्टली तो ये आपका डिफरेंस हो जाता है। जब आप अर्टिगा लेते हो तो उसमें जो आपको पीछे 3 सीटों वाला ऑप्शन मिलता है, लेकिन XL6 में जो है आपको कैप्टन सीट का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे ये गाड़ी जो है थोड़ा सा और क्लासी हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, जिसको इंसान थोड़ा सा पर्सनली भी रख सकता है। तो ये हो गई हमारी दूसरी गाड़ी, आप इसे आकर के ले सकते हो। अगर कोई इन लोगों को अगर फाइनेंस वगैरह कराना हो तो क्या स्कीम? सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ पे है, इंश्योरेंस, फाइनेंस, सारी फैसिलिटीज हमारे ऑन द वन रूफ मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर हम इस गाड़ी से भी आगे बढ़ते हैं और अगर हम लोग थोड़ा सा यूथ की तरफ जाते हैं, यानी कि यूथ सेंट्रिक गाड़ी की तरफ जाते हैं, तो फिर हमारी आ जाती है बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी इग्निस। सर आप मुझे इस गाड़ी के बारे में बताइए कि व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस कार? सर जो इसका बेस्ट पार्ट है, ये देखिए जिस प्राइस में आपको मिलती है, तो मैं हैचबैक गाड़ी मिलती है आपको, okay. ये SUV टाइप में आ जाती है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस 180 है,
और फुल्ली फीचर लोडेड जिस इसका टॉप एंड एक्चुअली जो बेस बेस्ट वेरिएंट है वो जीटा वेरिएंट है। इसमें कितने वेरिएंट आते हैं? इसमें भी सर चार आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जीटा एंड अल्फा। द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इज जेटा वेरिएंट। तो जेटा क्या क्या मिलता है हमें जेटा वेरिएंट में, जो इस गाड़ी को अलग बनाता है बाकी गाड़ियों से? बाकी गाड़ियों से देखिए जेटा वेरिएंट में आपको ये सर ये जेटा ही खड़ा है एक्चुअली, ठीक है। तो जेटा वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स आ गए हैं, कीलेस पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ आती है जेटा में, 7 इंच एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वही वाला हारमन का म्यूजिक सिस्टम आ गया सर, रूफ रेल्स है, पीछे वॉशर वाइपर डिफॉगर है, ये फुल्ली लोडेड है, इसमें आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं होती है सर। आप कह रहे हो कि ये गाड़ी हैचबैक नहीं है? हैचबैक नहीं है सर। हाँ, तो ये कौन सी गाड़ी? 180 ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी का, ठीक है, जो बेस्ट है ना इस सेगमेंट में, इसको बेस्ट बनाता है। और ड्यूल टोन इंटीरियर आप देख रहे हैं कितना प्लस इंटीरियर है, ड्यूल टोन इंटीरियर अच्छा लगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें मिला जा रहा है, हैंडल्स देख रहे हैं आप जैसे एसयूवी की तरह यूज किए हुए हैं। एग्जैक्टली, और अगर हम इसके यहाँ पर आ जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आती है सर, इसमें सारे इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं ब्लैकआउट पर। उसके बाद में अगर इसके इंटीरियर देखो तो वो भी ड्यूल टोन में अच्छा लग रहा है। उसके बाद अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो कितना बूट स्पेस है इस गाड़ी का? 265 है सर, 265 है। उसके बाद अगर हम लोग इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो कितना फ्यूल टैंक इसमें आप? 32 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, बिकॉज ऑफ गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी इतनी अच्छी है, 20 का एवरेज क्लेम इजीली आपको ये जो जितने भी आपके डेली कंडीशंस हैं 17-18 और हाईवे पे 20 प्लस कर देती है गाड़ी, इसलिए बूट इसका जो हमने टैंक कराया वो थोड़ा सा कम ही कराया, 32 लीटर से बेस्ट, 32 लीटर बढ़िया है। तो 32 लीटर का आपको टैंक मिल जाता है, सिटी में ये गाड़ी जो है करीब आपका 17-18 का एवरेज प्रोवाइड करती है, और उसके बाद में अगर आप हाईवे पे जाते हो तो 20 का अराउंड जो है एवरेज आपको इसका मिल जाता है। अगर इसके पावर की बात करो तो इसमें 61 पीएस का पावर मिलता है और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है आपको मिल जाता है ना, 1197 सीसी का जो है आपको इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर इंजन मिलता है इसमें, ठीक है। तो अगर इस गाड़ी से अगर आप थोड़ा सा कोई जर्नी वर्नी पर जाना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो, अगर आप लोग 3-4 लोग हो तो। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको ठीक ठाक मिल जाता है, तो मतलब एडवर्स रोड कंडीशन में भी आप इस गाड़ी को चला सकते हो। जिसके अगर हम लोग इसके पैसे की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा वेरियंट कौन सा बिकता है अभी? इसका सर जीटा वेरियंट है, जीटा ही बिकता है, यही बिकता है इस। तो आप मेरे को इसके बेस से लेकर के इसके टॉप तक इसका पैसे बताइए ऑन रोड। स्टार्टिंग रेंज इसकी हो जाती है सर 6 लाख से, 6 लाख, हाँ जी। डेल्टा आपको 677 और जेटा वेरिएंट आपको 740 का मिल जाता है, 740 ये 740 का है, टॉप एंड वेरिएंट 840 के समथिंग आता है, ठीक है। टॉप एंड वेरिएंट में हमें डिफरेंस क्या मिलेगा जेटा से? डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है सर वो प्रोजेक्टर विद डीआरएल आ जाते हैं फ्रंट में, और इंटीरियर में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगा, ये मेजर 3 डिफरेंसेस है ओनली, ठीक है। तो ये बस 3 डिफरेंस हो जाते हैं अल्फा में, आपको सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हो, आगे प्रोजेक्टर मिल जाएगा, उसके बाद में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये तीनों चीज़ें आप अवॉइड भी कर सकते हो, और अवॉइड करके कितने पैसे बचा सकते हो? करीब 1 लाख रुपए तक के आप गाड़ी बचा सकते हो। तो ये आपके 2 ऑप्शन हो जाते हैं नेक्सा में हैचबैक के, एक आपका ये हो गया इग्निस, एक आपका बलेनो हो गया। डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, दोनों ही गाड़ी अच्छी है, फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उस गाड़ी की जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फेमस है और जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, जो कि आपकी मारुति सुजुकी की सियाज हो जाती है ना। अब सर सियाज के कितने वेरिएंट आते हैं? सियाज में भी सर 4 वेरिएंट्स हैं, सिग्मा, डेल्टा, जीटा एंड अल्फा। सबसे ज़्यादा कौन सा बिकता उसमें? तो अब सर जीटा देखिए वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो फिर डेल्टा वेरिएंट आ जाता है। डेल्टा वेरिएंट आ जाता है, उसमें क्या क्या मिल जाता है? उसमें आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इंटरनली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर्स, अलॉय व्हील्स भी आ गए हैं अब तो वहाँ पर, फॉग लैंप्स, प्रोजेक्टर हैलोजन के साथ। तो ये सारे फीचर्स हैं जो नॉर्मली कस्टमर को चाहिए होते हैं वो सारे मिल जाते हैं आपके पास। तो ये आपको सारा सब कुछ डेल्टा में मिल जाता है, जी। डेल्टा ही सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन, जी, वैल्यू फॉर मनी। तो अगर हम लोग सियाज की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो कितने से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? 10-10-10-25 से स्टार्ट हो जाती है सर, 10-77 इसका डेल्टा वेरियंट है, फिर 11.35 तक आपको जीटा मिल जाता है, टॉप एंड वेरिएंट 12 से नीचे ही आ जाता है, टॉप एंड वेरिएंट टॉप एंड फुली लोडेड है, फुली लोडेड हो जाती है गाड़ी, जो कि आपके 12 लाख के आसपास जो है 12 से नीचे ही आ जाती है, 12 से नीचे ही आ जाती है, ठीक है। क्रूज कंट्रोल भी डेल्टा में है, क्रूज कंट्रोल भी डेल्टा, कंट्रोल भी डेल्टा में है, अलॉय व्हील्स भी डेल्टा में है, और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी भी डेल्टा में है, डेल्टा में हमें ग्लास एंटीना में पहले सेगमेंट में फर्स्ट इन टाइम हम ग्लास एंटीना दे रहे हैं, कोई भी नहीं देता अभी तक ग्लास एंटीना, हाँ जी कोई नहीं देता है। तो ये हो गए हमारे सियाज के 4 ऑप्शन। उसके बाद में एक हमारी लास्ट गाड़ी आ जाती है जो कि हमारी आ जाती है थोड़ा सा एस क्रॉस है। इस गाड़ी का पर्पस क्या है बताइए? पर्पस देखिए क्या है, इंडिया में थोड़ी सी भेड़चाल टाइप है, तो एसयूवी जा रहे हैं तो हर कोई एसयूवी जा रहा है, ये यूरोपियन सेगमेंट है, इसे कहते हैं क्रॉसओवर। क्रॉसओवर का मतलब होता है, मतलब मैं आपको डिफाइन करता हूँ, मिक्सचर ऑफ सेडान एंड एसयूवी। इसमें क्या है, अगर आप एसयूवी चलाते हैं तो उसमें कंफर्ट नहीं होता, लॉन्ग ड्राइव्स पर कंफर्ट नहीं मिलेगा, ओके। अगर आप सेडान लेते हैं तो उसमें फिर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है। तो एस क्रॉस लेते हैं तो आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं और कंफर्ट भी मिलेगा, इसीलिए क्रॉस ओवर्स दे मेंट फॉर
कंफर्ट एंड ऑफ रोडिंग कंफर्ट एंड एक्सपीरियंस दोनों को लेती है आपकी एक्स क्रॉस जी। तो अगर हम लोग एक्स क्रॉस की बात करें तो एक्स क्रॉस के वैसे कितनी क्या आपकी वो रहती है, मतलब क्या आपकी सेल्स वगैरह रहती है एक्स क्रॉस? सेल्स थोड़ा सा मैंने बताया ना भाई, इंडिया में सर वेट चाल है, जो जो एक प्रोडक्ट की तरफ भग रहे हैं वो सारे वहाँ सब उधर ही चले जाए, लेकिन जिसने एक्स क्रॉस चलाई है वो दोबारा एक्स क्रॉस ही लेगा, कभी भी एसयूवी पे भी नहीं जाएगा। जितने भी मेरे लॉयल कस्टमर हैं या हमारे लॉयल कस्टमर हैं नेक्सा के, तो वो एस्क्रॉस को ड्राइव करने के बाद कोई और गाड़ी ड्राइव भी नहीं करेंगे। अगर आप भी करके देखेंगे तो देखेंगे कितना डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में, एसयूवी में, सेडान में और एस्क्रॉस में। स्पेशियस भी है काफ़ी ज़्यादा गाड़ी से, सब 4 मीटर आती हैं एसयूवीज इस सेगमेंट में। ये हमारी 4300 mm है, तो 3-4 मीटर लंबी गाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा लंबी गाड़ी हो जाती है, स्पेशियस हो जाती है, लेकिन लगती जो है आपकी हैचबैक की तरह, थोड़ी सी बड़ी हैचबैक की तरह जो है आपको लगने लगती है। तो आपको उस गाड़ी में जो है कंफर्ट भी मिल जाता है एस्क्रॉस में, और जो है उस गाड़ी को आप थोड़ा सा ऑफ रोडिंग या फिर हल्का सा एडवर्स रोड कंडीशन में भी लेकर के आप इजीली जा सकते हैं। 185 ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है। टायर कितने इंच में मिलते हैं? 16 इंच है। 16 इंच के टायर बेस ऑफ वेरिएंट से, बेस से ही मिल जाता है। तो फुल्ली लोडेड जेटा वेरिएंट है और सबसे वैल्यू फॉर मनी भी वही है। जेटा वेरिएंट जो है आपका सबसे ज्यादा फुल्ली लोडेड है, कितने का आता है जेटा? 1.5 तक आ जाएगा, 11.5 का जेटा हो जाता है। उसका अल्फा कितने का? 12.5 से ऊपर, 12.5 से ऊपर हो जाता है। तो हाँ, करीब 1-1.25 लाख रुपए आप बचा सकते हो, जबकि डिफरेंस जो है सिर्फ दो ही होते हैं, एक आपका व्हाइट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होते हैं, बाकी आपका लेदर अपहोल्स्ट्री होती है जो कि आपकी इंटीरियर वाला होता है। तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो अगर हम इसके एक बार बेस वेरिएंट की भी बात करें तो वो कितने का होता है? 950 तक आ जाएगा सर, 9,50,000 रुपये तक के आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 5 मेन गाड़ियाँ जो कि हमारी यहाँ पर नेक्सा पर अवेलेबल रहती हैं, जिसमें से पहली हो गई बलेनो जो कि हमारी रीसेंट लॉन्च है, उसके बाद में आपकी हो गई सियाज जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, उसके बाद में आपकी हो गई एस क्रॉस जो कि एक बहुत ही बढ़िया क्रॉसओवर है, उसके बाद में आपकी हो गई XL6 जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी गाड़ी हो जाती है अपने सेगमेंट में, और उसके बाद में आपकी हो गई इग्निस जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कम पैसे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर देती है, और एक हैचबैक की तरह नहीं देखी जाती है ये गाड़ी, थोड़ी सी खूबसूरत बड़ी ऊँची हैचबैक जो कि आप थोड़ा सा, जिससे आप थोड़ा बहुत एडवर्स कंडीशन या फिर थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के ऑप्शन में भी जा सकते हो। तो ये हो गई हमारी 5 गाड़ियाँ। अगर आप इन 5 गाड़ियों में से कोई भी चीज़ लेना चाहते हो, उसके लिए कुछ इंक्वायरी करना चाहते हो, तो पिन कॉमेंट से उठा करके रघुवेंद्र भाई का नंबर उठा लो, उसके बाद में आप इनसे बात कर सकते हो, या फिर आप सीधा यहाँ शोरूम पर आकर के भी सारी इंक्वायरीज कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवेंद्र भाई। और कोई चीज़ कुछ ऑफर चलता है यहाँ पे? ऑफर्स तो बहुत बेटर करा देंगे सर, बस। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ऑफर वगैरह भी यहाँ पर चलते रहते हैं, जब भी आप आएँ तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑफर के बारे में भी पूछे, ताकि आप लोग को उससे भी फायदा हो। फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ, आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय। सलाम।